नमस्कार, टीम मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आप सभी के लिए एक विशेष प्रस्तुति गर्भ संस्कार टॉक साप्ताहिक। हाँ दोस्तों, गर्भ संस्कार टॉक में आपको गर्भ संस्कार के विशेषज्ञों द्वारा गर्भ संस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से। चलो आज का गर्भ संस्कार टॉक शुरू किया जाए। इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है। अपनी जीवन जरूरी छोटी से छोटी चीज को भी वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे बेहतर बना सके, इसके लिए उसने हमेशा कोशिश की है और वो इसमें कामयाब भी रहा है। पर जब बात एक नए जीवन को जन्म देने की आती है, तब हम इस काम को भगवान के भरोसे क्यों छोड़ देते हैं? हम शायद अभी तक ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे अपने जन्म के साथ जो स्वभाव, प्रकृति या कई बार कुछ रोग को भी साथ में लेकर आते हैं, उसके पीछे का कारण है गर्भावस्था। एक बात तो हमें बड़ी आसानी से समझ आती है कि यदि खेती अच्छी न हो तो उसका कारण है या तो जमीन अच्छी नहीं रही होगी, या बीज, या हवामान, या पानी। ठीक उसी तरह यदि बच्चा भी किसी कमी के साथ पैदा होता है तो उसके पीछे का कारण भी और कुछ नहीं बल्कि गर्भावस्था ही है। गर्भावस्था के दौरान माता जैसा आहार, जैसा विहार और जैसा विचार अपनाती है, उसका असर गर्भस्थ शिशु पर होता ही है। यदि हिरण्यकश्यपु जैसे दानव के घर भक्त प्रहलाद जैसे देव समान पुत्र का जन्म हो सकता है, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? उसके पीछे का कारण है गर्भ संस्कार। हाँ, यह गर्भ संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार में से एक है और बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि इंसान के जीवन का पूरा आधार इसी संस्कार पर तो रहा हुआ है। गर्भ में शिशु हर पल कुछ नया जानने और सीखने के लिए आतुर होता है, तो यदि जागरूक रहकर उसे अच्छे विचार और अच्छी क्रियाएं नहीं देने में आई तो उसे अपने आसपास के माहौल से माता के द्वारा जो मिलेगा वह उसी माहिती का संग्रह कर लेगा। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि गर्भावस्था के दौरान माता जैसे विचार करती है, जैसी क्रियाएं करती है, उसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर होता है। तो क्यों ना अपने वारिस को समृद्धि के साथ साथ संस्कारों की भी भेंट दें। जो माता पिता गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार के पालन के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, उन्हें अपने बच्चे के जन्म के बाद उसमें संस्कारों का सिंचन करने के लिए 1000 गुना ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी गर्भ संस्कार का तो कोई मुकाबला नहीं। तो हर पति पत्नी को गर्भ संस्कार की सही जानकारी और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करके उसका किस तरह से अमल करना है यह जानना चाहिए और गर्भ संस्कार के पालन द्वारा ही संतान को जन्म देना चाहिए, जिससे इस समाज को, इस देश को और इस विश्व को एक श्रेष्ठ संतान की भेंट मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने मित्रों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आप हमारी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो नए वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए। आप और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल से जुड़ना भूलिएगा नहीं। गर्भ संस्कार के बारे में और ज्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। हमें आशा है कि आपको हमारा यह प्रयत्न पसंद आया होगा। गर्भ संस्कार टॉक हर शनिवार रात 9 बजे YouTube चैनल पर अपडेट किया जाएगा, जरूर से देखिएगा। धन्यवाद। हैप्पी गर्भ संस्कार।